नशे की लत से परेशान, अब घबराए नहीं, नशा मुक्ति केंद्र लेकर आए हैं सभी तरह के नशे का जड़ से समाधान। अब किसी भी प्रकार का नशा हो, चाहे वो शराब, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू, खैनी आदि, इन सभी तरह के नशे से छुटकारा पाने के लिए हमारे नशा मुक्ति केंद्र से संपर्क करें। सिर्फ एक कॉल पर आप अपने नशे से छुटकारा पा सकते हैं 100% मनी बैक गारंटी के साथ, तो जल्द ही संपर्क करें। प्राइम 80 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नमस्कार, मैं अब्दुल कदीर, प्राइम 80 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। थाना हरिपरबत पुलिस को मिली बड़ी सफलता, ऑटो में सवारी बिठाकर लूट करने वाले गैंग को 24 घंटे के अंदर की गई गिरफ्तारी। पुलिस अधीक्षक व क्षेत्र अधिकारी हरिपरबत के निर्देशन में पुलिस टीम द्वारा लूट जैसे गंभीर अपराध करने वाले अभियुक्तों को मैं माल के साथ नाजायज तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार करते हुए घटना के 24 घंटे के अंदर सफल अनावरण किया गया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में शिवराज पुत्र जयप्रकाश निवासी नगला मिलक थाना जसराना जिला फिरोजाबाद, लाल बहादुर पुत्र बाबूराम नगला सिंगी थाना सिंगी जिला फिरोजाबाद, रवि प्रकाश उर्फ बॉबी कुमार पुत्र इंद्रपाल सिंह निवासी थाना बहन बबलू बघेल पुत्र राम साय बघेल निवासी महादेवी नगर के थाना खंदौली। इन लोगों ने दिनांक 15 तारीख को रात्रि में लूट की घटना को अंजाम दिया था। पूछताछ में अपराधियों ने बताया यह सुनसान जगह से यात्रियों को बैठाकर मौका पाकर उनसे तमंचे के बल पर लूट करते थे। लूटे हुए माल को आपस में बांट लिया करते थे। फिलहाल ऐसी वारदात करने वाले गैंग को पकड़कर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। ये 15 मई 2019 को हरिपर्वत सर्कल में दो लूट की घटनाएं हुई थी। एक सिकंदरा में, थाना सिकंदरा में लूट की गई थी, उसमें तीन लोग थे, उन्होंने तमंचा दिखा के एक मोबाइल लूट लिया था, और एक उसके बाद उन्हीं लोगों ने हरिपर्वत थाना क्षेत्र में एक और आदमी को लूटा था, जिससे दो मोबाइल छीन लिए थे। उसमें एक आईफोन एक्स था और दूसरा एक और फ़ोन था। तो इनको हमारी हरिपर्वत थाना और सिकंदरा की टीम ने उनको ट्रैक करके उसी दिन पकड़ा, और उसी दिन और रात को उनको पकड़ा गया था। उसमें चार लोग इन्वॉल्व थे। ये लोग ऑटो में बैठा कर भी लूट करते हैं, इनको पूछताछ करके बताया गया, और इनके से तमंचा भी बरामद हुआ है। इसमें चार लोग हैं, शिवराज, लाल बहादुर, रवि प्रकाश और बबलू। शिवराज का पहले भी आपराधिक इतिहास है, 307 के मुकदमे में ये जेल जा चुका है। लाल बहादुर भी चोरी में पहले पकड़ा जा चुका है, और इनसे जो रिकवरी हुई है वो तीनों मोबाइल, दो तमंचे और कुछ कैश और एटीएम कार्ड और पर्स जो लूटे गए थे वो रिकवर हुए हैं। बाकी इनको अभी FIR दर्ज हो चुकी है और इनको जेल भेजा जा रहा है। कैमरामैन मुबिन उस्मानी के साथ नीरज रावत की खास रिपोर्ट।